राहुल गांधी को ब्रेक लेने की बिन मांगी सलाह देने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने टका सा जवाब दे दिया है। कांग्रेस ने कहा उन्हें किसी कंसल्टेंट के कमेंट्स पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राहुल गांधी को सलाह पर अब कांग्रेस की प्रशांत किशोर पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर दिए पीके के बयानों पर कांग्रेस ने अपनी राय देने से मना कर दिया। जब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से प्रशांत किशोर के बयानों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी कंसल्टेंट की टिप्पणियों पर कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी एक दशक से पार्टी चला रहे हैं लेकिन परिणाम देने में असमर्थ रहे हैं। राहुल को प्रशांत ने उनकी मां सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब आप पिछले 10 सालों से बिना किसी सफलता के एक ही काम कर रहे हैं तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको किसी और को 5 साल के लिए काम करने देना चाहिए। आपकी मां ने ऐसा किया था, उन्होंने उस समय की ओर इशारा करते हुए कहा जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने 5 ही मामलों को पीवी नरसिम्हा राव पर छोड़ दिया था। पिछले 10 साल में कांग्रेस की स्थिति खराब है। पार्टी की सीटें, राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर और राज्यों में मौजूदगी और ताकत तेजी से घट रही है। पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी से लेकर सहयोगी दलों से सीटों पर तालमेल की बात बनती नहीं दिखाई दे रही। ऐसे हालात में भी कांग्रेस किसी की सलाह माने या न माने लेकिन उसे इन हालातों से निपटना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।